हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट में। दोस्तों, ये नोकिया का 1280 फोन है, इसमें डिस्प्ले वाइड आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये नोकिया का 1280 फोन है दोस्तों, इसमें जो है डिस्प्ले वाइड आ रहा है। इसका अधिकतर इसमें जब डिस्प्ले ख़राब हो जाता है तो डिस्प्ले जब कि कोई भी सप्लाई ब्रेक हो जाती है या डिस्प्ले ख़राब हो जाता है तो ये फ़ोन डेड हो जाता है, ये ऑन नहीं होता दोस्तों। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। यदि आपके पास ये फ़ोन डेड अभी आता है तो आप जो है इसकी डिस्प्ले की सप्लाई जो है चेक कर लीजिए। यदि कोई भी सप्लाई आपका ब्रेक रहेगा तो आपका फ़ोन डेड हो जाएगा, और आपकी डिस्प्ले भी ख़राब रहेगी तो भी आपका फ़ोन डेड रहेगा। तो चलिए, यहाँ पे आपको इसमें सभी सप्लाइयों के बारे में बताऊँगे कि कौन सी सप्लाई कहाँ पे जाती है दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से देखना। और यहाँ पे देख लीजिए, हमने ये जम्पर के सहायता से बना दिया है। आप जो है अपना एक एक सप्लाई चेक कर लीजिए अच्छे तरीके से, और यदि आपका कोई भी सप्लाई ब्रेक हो गया है तो आप इस प्रकार से जम्पर लगा लीजिए। आपका कोई भी सप्लाई ब्रेक रहेगा तो आपका फ़ोन मतलब डेड रहेगा, आपका फ़ोन मतलब चालू नहीं होगा। तो आप अच्छे तरीके से आप जो है इस जम्पर को देख लीजिए, इस जम्पर की सहायता से आप अपने फ़ोन को चेक कर लीजिए। और यदि आपका कोई भी सप्लाई यदि ब्रेक हो गया है तो आप यहाँ पे जम्पर लगा लीजिए दोस्तों। इस प्रकार से आप का मतलब यदि कोई भी सप्लाई ब्रेक हो गई है और जम्पर लगाओगे तो आपका फ़ोन मतलब ऑन हो जाएगा। अधिकतर इसमें जो है डेड प्रॉब्लम आता है तो डिस्प्ले की सप्लाई ब्रेक होने के नाते फ़ोन डेड रहता है दोस्तों। तो इसे एक बार ज़रूर चेक करके जम्पर कीजिए दोस्तों।